मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास सेकंड। आज हम लेसन 6 पढ़ेंगे। इंग्लिश सेकंड में वर्ब, वर्ब क्या है हम ये पढ़ रहे हैं अभी। ऑल द वर्ब इन द क्लाउड अडॉप्ट डिस्क्राइब ए कर्टिस एक्शन। अब देखिए, इसमें क्लाउड में जो भी एक्शन वर्ड बने हुए हैं वो क्या किसको डिस्क्राइब कर रहे हैं? इसको डिस्क्राइब करने वाले, मतलब क्रिया करने वाले शब्दों को हम वर्ब कहते हैं। दे आर एक्शन वर्ड विच आर ऑल्सो कॉल्ड वर्ब। एक्शन वर्ड को ही हम वर्ब कहते हैं, जैसे डांस, स्विम, थ्रो, स्लिप, क्राई, रीड, कॉल, जंप, शाउट, रन, राइट। ये सब शब्द क्या है जो किसी चीज को डिस्क्राइब कर रहे हैं। राइट मतलब लिख रहे हैं, और शाउट चिल्लाना, रीड पढ़ना, कॉल बुलाना, जंप कूदना, स्लिप सोना, थ्रो फेंकना, स्विम तैरना, डांस जैसे डांसिंग एक्शन करते हैं। डांस करते हैं ना, उसमें अलग अलग शरीर का अपने आम हिलते हैं, जैसे हाथ हिलाना, पैर हिलाना, वो क्या होता है? डांस होता है। तो एक्शन करना है ना, कुछ ना कुछ करना, किसी काम को, क्रिया को करना, वो क्या कहलाते हैं? वर्ब कहलाते हैं। अब इसको मैं और भी आपको शब्दों से बताऊंगी। जैसे मैं इसको अभी लिख रही हूँ, एक सेंटेंस लिख के आपको बताती हूँ, उसमें आपको बताऊंगी वर्ब कहाँ पर है। द बेबी बेबीज क्राई फॉर मिल्क। अब इसमें ये क्या बोल रहा है कि बेबी क्राई कर रही है, इसके लिए मिल्क के लिए रो रही है। तो क्या कर रही है वो? क्राई मतलब रो रही है। तो ये क्या है? ये वर्ब द बेबीज क्राई फॉर मिल्क, वो दूध के लिए रो रही है। द चिल्ड्रन प्ले इन द पार्क, जैसे द चिल्ड्रन प्ले इन द पार्क, बच्चे पार्क में खेल रहे हैं। क्या कर रहे हैं? खेल रहे हैं। या जंप भी आ सकता है इसमें, जंप इन द पार्क, कूद रहे हैं, ये भी हो सकता है। तो इसमें ये जो शब्द होते हैं, प्ले करना, जंप करना, ये सब ये क्या कहलाते हैं? क्राई। ये सब वर्ब है। क्या है? वर्ब है। तो अब इसमें ये बताया है कि आपको क्या करना है कि एक वर्ब शब्द को लेकर के उसका एक सेंटेंस बनाना है। तो वो चीज मैं आपके बना करके होमवर्क में डालूंगी, वो आपको करना है। और साथ में ये क्रॉसवर्ड है, इसके अंदर आपको वर्ब ढूंढने हैं। तो आप इसमें शब्द ढूंढिएगा और यहाँ पर लिखिएगा। ये तो आपके लिए है, और ये सेंटेंस मैं आपको होमवर्क में करके सॉल्व करके दूंगी।